नमस्कार, मैं उपेंद्र आपका फाइव स्टार किचन में स्वागत करता हूँ। भजिया, तरह तरह की भजिया बनती हैं और आपने सड़क पे देखा होगा कि बहुत तरह से लाल लाल भजिया बना के देते हैं और कहते हैं कि वो प्याज के भजिया है, लेकिन वो प्याज नहीं होती है, थोड़ा सा प्याज होता है और उसके साथ में ढेर सारा पत्ता गोभी होता है। तो हम आज आपको पत्ता गोभी के भजिया बनाकर बताएंगे। तो इसके लिए हमने सामग्री ली है 2 कप पत्ता गोभी लंबाई में कटे हुए इस तरह से, 1 प्याज जिसे हमने लंबाई में काट लिया है, 1 कप बेसन, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, जीरा 1 छोटी चम्मच, लाल कलर फूड कलर है ये, 1/2 कप चावल का आटा, तेल, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च 3, बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता 2 डंठल है, बारीक कटा हुआ अदरक 1 इंच और नमक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पत्ता गोभी का भजिया। बड़ा बॉल लेंगे और उसके अंदर हम बेसन डालेंगे, चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा डालने से भजिया आपका बहुत कुरकुरा बनेगा। जीरा डालेंगे, आप जीरा के जगह अजवाइन भी ले सकते हैं। नमक डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। 1 चम्मच तेल डालेंगे, इससे आपका भजिया अंदर से बड़ा कुरकुरा होगा। मिक्स करेंगे, अब इसमें हम पत्ता गोभी डालेंगे। कहते हैं ना, फ्लेवर के लिए या फिर स्वाद के लिए प्याज होना चाहिए, तो इसलिए प्याज डालते हैं। हम भी यहाँ प्याज डालेंगे, हरा धनिया पत्ता डालेंगे, अदरक, अदरक थोड़ी सी लंबाई में लंबी लंबी कटी हुई है इस तरह से, क्योंकि खाते समय या मुंह में जब आता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता, और एकदम बारीक कटा हुआ हमने यहाँ पे हरी मिर्च ली है, क्योंकि हरी मिर्च अगर बारीक कटी नहीं रहेगी तो जब आप भजिया खाएंगे तो आपके मुंह में एक साथ तीखापन आ जाएगा, इसके लिए बहुत बारीक कटा हुआ होना चाहिए। अब इसे हम ऐसे ही मिक्स करेंगे बिना पानी डाले। तो बिना पानी का हमने मिक्स कर लिया है, अब इसे हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे कि इसका जो एक्स्ट्रा नमी है प्याज का और पत्ते गोभी का, ये अंदर फैल जाए। 5 मिनट हो गए हैं, हमारे प्याज और पत्ता गोभी ने मॉइस्चर नमी को छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं काफ़ी पकड़ लिया है। अब इसमें हम फूड कलर डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसकी अब बाइंडिंग भी होने लगी है, बाइंडिंग यानी कि पकड़ रहा है ये। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे और उसके बाद में हम इसे फ्राई करेंगे। 10 मिनट हम इसलिए रखेंगे कि इसके अंदर जो हमने अदरक, कड़ी पत्ता, जो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग चीज़ें डाले हैं, इसका फ्लेवर पूरी तरह से अंदर चला जाना चाहिए। 10 मिनट हो गए हैं और हमने तेल भी गर्म करने रख दिया था, तेल हमारा गर्म है। अब इसमें हम इस तरह से फ्राई करेंगे, आँच को मीडियम रखेंगे, नहीं तो यह ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब हम उलट पलट कर इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से सभी फ्राई करके तैयार करेंगे हम। तो लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म पत्ता गोभी के पकौड़े यानी कि भजिया बनकर तैयार है। आप भी इसे बनाएं और कभी भी आप नाश्ते में खा सकते हैं, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। लोगों को लगता है कि काफ़ी हार्ड है ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो हमने आपसे रेसिपी शेयर की है। आप भी हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो चलिए मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।